हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी। मैंने पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। और अब इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। तो इस वीडियो में मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और इफ़ेक्टिव बनाने के तरीकों के बारे में बातचीत करूँगी। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है अपनी बात, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात और विचारों को सही ढंग से समझ पाना। ये होता है कम्युनिकेशन। तो इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन जो होता है वो एक टू वे प्रोसेस होता है। इसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। एक अपनी बात बोलता है और दूसरा बात को सुनता है। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो ये दोनों प्रोसेस काम में आते हैं। तो इसके लिए हमें एज अ स्पीकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और एज अ लिसनर भी हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। सो नाउ माय फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर स्पीकर, कि जब कम्युनिकेशन में आप एज अ स्पीकर हैं, आप एक स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंट व्हेन एवर यू टॉक टू समवन, बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज आप खुद भी सोचिए, अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंटली अपनी कोई बात कहता है, हम भी बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। कोई नेता है, भाषण दे रहा है, कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कोई पॉलिटिशियन अपना भाषण दे रहा है, हम भी न्यूज़ पे एक मिनट रुक के उसकी बात सुनने का ट्राई करते हैं। बट कोई है, अगर हम किसी चैनल पर लगाएं, कोई और पॉलिटिशियन, बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, बार बार वो अटक रहा है, रुक रहा है, तो हमें उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आता, स्किप कर देते हम चैनल चेंज। मीन्स इफ़ यू आर अ स्पीकर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप स्पीकर हैं तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहिए। कॉन्फिडेंस ये भी शो करता है दैट यू हैव नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज है। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी हम उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन का पार्ट बन पाएंगे? सो बी कॉन्फिडेंट। Now my second point is be clear and precise। जब भी आप बोलते हैं तो अपने words को clearly बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को सामने वाले तक सीधा सरल शब्दों में पहुँचाएँ। ज़रूरी नहीं है बहुत typical difficult से word use करेंगे, आप कोई high level के English के words ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं सामने वाले को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छी English आती है। No, कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आप ज़्यादा interesting बनाने के चक्कर में वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है, mix-up हो जाता है, ना आप ही को समझ आता आपने क्या बोल दिया, ना सामने वाले को समझ में आएगा। सो इट्स बेटर टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज। सिंपल के साथ साथ जो भी आप बोल रहे हैं वो छोटा, प्रिसाइज, अपनी बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलना कि हम मेन टॉपिक पे आने से पहले हम 10 बार घूम रहे हैं ये वो। नो, जो आपको बोलना है आप डायरेक्ट बोलिए, सरल भाषा का प्रयोग कीजिए, सीधी अपनी बात कहिए और कम से कम लेकिन अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज़, जब भी आप अपनी बात बोलें उससे पहले एक बारी थोड़ा सा सोच लें। थिंक बिफोर यू स्पीक when वी आर इन अ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन में होते हैं, किसी इंसान से हम बातें कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना है, हमें जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारे साथ बात कर रहा है, हमें उस इंसान के बारे में भी ख्याल रखना है। तो हमें ऐसे नहीं जो हमारे मन में आया एज इट इज़ उठा के बोल दिया। नो, हमें सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी भावनाएँ, उसके एज ग्रुप, सब चीज़ों को ध्यान में रख के सही वर्ड्स का सिलेक्शन करके ही अपनी बात बोलनी चाहिए। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम बोलने से पहले एक सेकंड के लिए अपने पॉइंट को, जो हमें बोलना है उसको हम अपने माइंड में सोचेंगे। तो बोलने से पहले ट्राई टू थिंक फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है यूज़ प्रॉपर जेस्चर। नाउ व्हाट इज़ जेस्चर? मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो एक तो होता है वर्बल पार्ट जिसमें आप वर्ड्स बोल रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल पार्ट। उसमें क्या होता है, द वे यू स्पीक टू अनदर पर्सन, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर हैंड मूवमेंट्स, योर बॉडी जेस्चर, ऑल दीज कम्स अंडर नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। सो
आप जब भी किसी से बात करते हैं तो अपने जेस्चर्स का भी ध्यान रखिए, जेस्चर्स का यूज़ कीजिए। किसी से बात कर रहे हैं आप ऐसे दोनों हाथ पीछे बांध के खड़े हैं और सीधे मतलब बोले जा रहे हैं एक्चुअली ऐसा है, ये है, वो है, नो, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में। यूज़ योर हैंड्स, भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, इनका यूज़ कीजिए। यूज़ योर हैंड टू एक्सप्लेन। अब जैसे आप वीडियो में ही देखिए, अगर मैं ऐसे सीधे बैठ के सिर्फ ऐसे बोलती जाऊँगी, आप भी 2-4 सेकंड से ज़्यादा ये वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप उसको साइड करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट लिसनर आपको सुने, कोई भी आपकी बात को सुने, सो यूज़ जेस्चर एवरी टाइम, गिव फेशियल एक्सप्रेशन। कोई खुशी की बात है स्माइल कीजिए, सीरियस बात है बी सीरियस, कोई सरप्राइज़ की बात है तो वो वंडर आपके फेस पे दिखना चाहिए ताकि सामने वाले को भी इंटरेस्ट आए आपसे बात करने में। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ योर स्पीच। जो आप बोल रहे हैं उसकी स्पीड, ऐसा भी नहीं हो कि आप रेल की तरह बिल्कुल फास्ट फास्ट भागे चल रहे, नो, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा आप क्या बोल के, बेचारे के सर के ऊपर से जाएगी सारी बात। और ऐसा भी नहीं कि हो आप स्लो हो गए तो बिल्कुल ही स्लो मोशन हो गए कि सामने वाला बेचारा थक जाए नेक्स्ट वर्ड का इंतज़ार करने में। सो ऑलवेज यूज एन एवरेज स्पीड ऑफ योर स्पीच जब भी आप किसी से बात करें, ना ही बहुत जल्दी जल्दी आपको भागना है कि आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, ना ही आपको बिल्कुल स्लो हो जाना है कि हो हमें तो और कुछ काम है ही नहीं, बस ये बात ही बतानी है आज हमारे पूरे दिन में, और कुछ भी काम नहीं है। नो, यूज़ अ नॉर्मल स्पीच ताकि सामने वाले को भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट हो। नाउ आई गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल में, वो होता है एनर्जी। शो योर एनर्जी। अब एनर्जी का मतलब ये नहीं है मार धाड़ करने लगे आप, नो, एनर्जी मीन्स जब आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ में एक एनर्जी होनी चाहिए, सामने वाला ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी बात सुने। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने लग जाओ, नो, जो सिचुएशन है, जो आप बात कह रहे हैं उसके जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वॉइस को यूज़ कीजिए। यूज़ वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसा बच्चों को पढ़ाते हुए क्लास में टीचर होता है, कोई भी हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें जो हम अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं वही हमें किसी से बात करते टाइम अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल में भी उसको ऐड करना चाहिए। मींस वी कैन से एनिमेट योर वॉइस, अपनी वॉइस को थोड़ा एनिमेट करो। एक मोनोटोनस वे में हम ऑल टाइम कोई बात अगर कहेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी बोरिंग, नोबडी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कोई कोशिश नहीं करेगा, सबको लगेगा यार नींद आ रही है, छोड़ो इसको, ये तो बहुत पकाता है या बहुत पकाती है। तो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम जो बात बोले लोग सुने, हमसे भी बातें करें, हम भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बने। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि हमें अपनी वॉइस का ध्यान रखना है। अगर हम कोई खुशी की बात बता रहे हैं, हंस के बता रहे हैं, सरप्राइज वाली बात बता रहे हैं, तो हमारी वॉइस में वो सरप्राइजिंग फैक्टर दिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, दैट बी फ्रेंडली। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बिल्कुल फॉर्मल बन के, स्ट्रिक्ट बन के, रूल रेगुलेशन में रहना है, नो। आप किसी सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड बनाना है, आप किसी के फ्रेंड हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, बिल्कुल ही एक जैसे आप ऑफिस में कोई मेल भेज रहे हैं वैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, नो। बी फ्रेंडली, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए, मस्ती कीजिए, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराइए। अगर कोई हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करेगा तभी वो बात कर पाएगा। और कोई कंफर्टेबल फील कब करेगा, जब हम थोड़ा हंसी का माहौल बनाएंगे, थोड़ा खुश मिजाज हम भी दिखेंगे, थोड़ा फ्रैंक दिखेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी हमसे बात करने के लिए रेडी होगा। अब ये तो बात थी सारी के सारी एज अ स्पीकर हमें जिन चीज़ों को ध्यान रखना। नाउ टर्न कम्स टू अ लिसनर। अगर हम एक लिसनर हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहली जो बात होती है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल के दो पार्ट हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो बीइंग अ गुड लिसनर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप अपनी बात एक कम्युनिकेशन में, दो लोग हैं ना, एक बोलेगा एक सुनेगा, फिर एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी अपनी बात बोलेंगे और चले गए, नो, आपको सुनना है, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया, अब आपको दूसरे की बात भी सुननी है कि वो क्या कहना चाहता है। दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके व्यू पॉइंट को इम्पोर्टेंस दीजिए। बी आ गुड लिसनर।
आप अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है, तभी आप उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट रख पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. लिसनर के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, मेक आई कॉन्टैक्ट, उससे आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें. ऐसा नहीं है कोई आपसे बातें कर रहा है और आप इधर उधर देखने में बिजी हो. नो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब खास बात होती है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो यू शुड हैव एन आई कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज. ये ऐसा नहीं है आप ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो गए, ऐसे करके खड़े हो गए. नो, ओपन योर आर्म्स. उससे ये फील आती है दैट यू हैव एन ओपन माइंड टू एक्सेप्ट आइडियाज़ ऑफ अदर पर्सन. कि आपके पास आपका जो दिमाग है आपने उसको थोड़ा खुला रखा हुआ है कि आप दूसरे की सोच का भी वेलकम करते हैं, उनके व्यू पॉइंट का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं. ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जो एज अ लिसनर हमें ध्यान में रखना है वो है आस्क क्वेश्चंस. एक कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं है कि स्पीकर सिर्फ बोले जा रहा और लिसनर चुपचाप बैठ के सुन रहा है. नो, कॉन्वर्सेशन हेल्थी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए. अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है तो लिसनर, आप एक गुड लिसनर है, वो कैसे पता चलेगा कि जो वो बातें बता रहा है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. ओ रियली, क्या है वो, क्यों है, कैसे, उसके बारे में और जानकारी लेने का ट्राई कीजिए, उसमें से क्वेश्चंस निकालिए. शो योर इंटरेस्ट. अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक फेल कम्युनिकेशन होगी. सो बीइंग अ गुड लिसनर यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंटेंट एंड रीफ्रेस सेंटेंसेस. सामने वाला जो बातें बोल रहा है आप उनको रीफ्रेस कर सकते हैं कि अच्छा मींस, मतलब आपका ये कहना है कि सामने वाले ने जो भी बात की आप उसको दोहराओ ताकि उसको भी पता चले कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं. यू आर पेइंग अटेंशन. ओके, सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल. इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको पसंद आई होगी, मे बी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो. अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.